अल्पसंख्यकों के लिए बजट में उचित हिस्सा सुनिश्चित करे सरकार। जमात इस्लामी हिंद, आज जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक बजट पूर्व चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा में प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन के अतिरिक्त प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, प्रदेश सचिव नईम रब्बानी, सामाजिक कार्यकर्ता निदा हाशमी तथा जयपुर महिला सदन की अध्यक्ष डॉक्टर जाहिदा शबनम ने भाग लिया। डॉक्टर जाहिदा शबनम ने आश्वासन दिया कि वे अल्पसंख्यकों के मुद्दे सरकार तक पहुंचाएंगी। चर्चा के बाद जमात के पदाधिकारी मीडिया से भी रूबरू हुए तथा चर्चा के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया। जमात के पदाधिकारियों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य के बजट में पिछले कई सालों से अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित होने वाला बजट 0.06 से 0.09% ही बना हुआ है, जो उनकी जनसंख्या और आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। जमात ने मांग की है कि आगामी बजट में इसे बढ़ाया जाए, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत बजट का 100% अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जाए। जमात ने मांग की कि मदरसों के आधुनिकीकरण पर समुचित ध्यान दिया जाए और उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास किए जाए तथा योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, ताकि मदरसों के विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष आ सकें। मदरसों में साफ सुथरे शौचालय तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा किया जाए, साथ ही मदरसों में अकादमिक सहायता तथा निगरानी की उचित प्रक्रिया निर्धारित की जाए। जमात ने मांग की कि जयपुर में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बनने वाले छात्रावास और कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन का अलॉटमेंट शीघ्र किया जाए, साथ ही जयपुर में ईसाई समुदाय कई वर्षों से कब्रिस्तान के लिए भूमि की मांग कर रहा है तथा अब स्थिति ये हो गई है कि शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची है, तुरंत प्रभाव से कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट की जाए। जमात ने सुझाव दिया है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित छात्र सीमा को समाप्त कर आवेदन करने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। इसके साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए बंद की गई छात्रवृत्ति राज्य सरकार अपने बजट से प्रदान करे। जमात ने अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन करने तथा फ्री कोचिंग योजना के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों की सूची नए सिरे से बनाने और उसका प्रभावी ढंग से प्रचार करने की भी सलाह दी है। जमात ने राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उचित नीति बनाने और स्कूलों में उर्दू शिक्षकों सहित अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी विभागों में समस्तृत पदों को तत्काल प्रभाव से भरने भी मांग की। जमात ने मांग की कि केंद्र सरकार की सूची में शामिल घुमंतू जातियों कलंदर मीरासी फकीर आदि को राज्य सरकार की सूची में भी शामिल किया जाए, ताकि ये लोग भी घुमंतू जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम को स्वरोजगार करने वाले अल्पसंख्यकों मुस्लिम लोगों तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जमात ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रदेश में सांप्रदायिकता के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाए तथा प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर कार्यक्रम बनाए जाए तथा इसमें सामाजिक संगठनों एवं धर्मगुरुओं की भी सहायता। हम हो सकता है वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जैसे घुमंतू जाति की बात आपने कही कि राज्य सरकार से भी हम चाहते हैं, तो इस बात से मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ भी जो इस तरह की जातियाँ हैं जैसे मीरासी हो गए, अमीर हो गए, तो उनको भी वो सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो जननेता हैं, 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इतने संवेदनशील हैं कि जब जायज मांगे उन तक पहुंचती हैं तो वो उसको जरूर पूरा करते हैं। और जितनी आपने बातें यहाँ पर उठाई हैं, जो मुद्दे आपने उठाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री जी आगामी आने वाले बजट में उन चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। जो पूरा जस्ट उस मामले में बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि जो बजट बनाया जाता है या जो स्कॉलरशिप मिलती है वो गवर्नमेंट तो हमको दे देती है, मगर वो जो स्कॉलरशिप है जो स्कूल्स में हमें दी जा रही है, क्या वो सही से दी जा रही है, सारे बच्चों को दी जा रही है, जो जो उसको मतलब जो स्कॉलरशिप दे सकते हैं उन सब बच्चों को ध्यान में रखा जा रहा है। इन सब चीज़ों का और बजट का एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए जो इस चीज़ पे अच्छे से
चेक करे बिना बायस होके और इसकी और पूरी कोशिश करे कि जितना बजट और जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो सब बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचे और जो मुस्तैद लोग हैं जो उन चीज़ों को जो उन्हें मिलना चाहिए उन सबको मिले। पहली बात तो ये। दूसरा जो अभी हमारे लिए एज अ अल्पसंख्यक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कम्युनल हेट्रेड सांप्रदायिकता, तो उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा काम करना है कि स्कूल्स में और जो एजुकेशनल प्लेसेस हैं और भी जो जगह है ऑफिस है वहाँ ये चीज़ नहीं पहुँचे और कम्युनिटी में भी एक शांति बनी रहे, तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लेक्चरर है चूँकि माननीय स्कूल में, मैंने ज़्यादातर 26 साल में हिस्ट्री पढ़ाई है पर उसके साथ साथ जिन स्कूलों में मुस्लिम बच्चे थे और जिनकी यहाँ पोस्ट खाली उर्दू की वहाँ मैंने उर्दू में पढ़ाई और कई स्कूलों में तो देखा है कि बजट भी आया है और पोस्ट भी आई है पर HF ने उसको दबा के रख दिया है और उसको है ना बताया नहीं, और कई जगह मैंने देखा है कि 2 साल के अंदर उन्होंने कहा था यहाँ उर्दू शुरू होनी चाहिए इतने बच्चे हैं और पेरेंट्स ने भी लिख के दिया कि 20 बच्चे जहाँ होंगे वहाँ उर्दू चालू हो सकती है, तो उन लोगों ने नहीं करी तो हमने पेरेंट्स से लिखवाया और हमने कहा सेल्फ स्टडी के ऊपर आप यहाँ शुरू करें, जबकि आजकल ये प्रावधान है कि कोई भी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो या कोई भी हो जहाँ उर्दू बच्चा लेना चाहता है वहाँ उनको देनी पड़ेगी चाहे वो घर पे पढ़े या किसी भी तरह वो उसमें मेंशन कर सकता है। पर क्या है मैं महारानी में गई तो थर्ड ग्रेड में उर्दू की पोस्ट खाली, सेकेंड ग्रेड में उर्दू की पोस्ट खाली, मैं फर्स्ट ग्रेड में थी उन्होंने कहा हम उर्दू भाषा ख़त्म करना चाहते हैं, बच्चों से कहा आप उर्दू नहीं लोगे उससे समझ लोगे, मैं कभी पढ़ाऊँगी मैडम पूरे दिन पढ़ाऊंगी 8 पीरियड पढ़ाऊंगी पर आप पोस्ट खत्म मत करिए धीरे धीरे कोई आ जाएगा, पर थर्ड ग्रेड में नहीं पढ़ पाती सेकेंड ग्रेड में। जो हम कहना चाहते हैं कि सरकार आबादी के हिसाब से माइनॉरिटीज़ का मामला हो या और भी जो भी लोग हैं सभी समाजों का जितना जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसके मुताबिक बजट बनाए भी और उसको बड़ा बजट को बढ़ाए भी और बजट सही मामलों में पूरा 100% उसको खर्च भी होना चाहिए। इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से चूँकि मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया होता है, सरकार की जिम्मेदारी हम यहाँ दिला रहे हैं सुझाव दे रहे हैं, हम समय समय पर ये बात भी करते हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो बजट जो हुआ है जो मंजूर हो गया है उसको उसमें भी कभी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हम भी उसमें एक कड़ी बनने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर भी किया जाए लोगों को मालूम भी होना चाहिए और उसको सही मालूम में हासिल करने का की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। अलबत्त सरकार से हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि सरकार का रवैया या सरकार का भी ये होना चाहिए कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार उनको टालती है आखिर तक टालती चली जाती है कई चीज़ों को, अभी पिछले उसमें देखने में आया मिसाल के तौर पर 2-3 चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसे हमको बात मेरी बात की तारीफ होगी उससे, ये संविदा कर्मियों का मामला है, संविदा कर्मियों में मदरसा पैरा टीचर्स का मामला भी है, उर्दू का मामला है, उर्दू क्योंकि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है सिर्फ उर्दू मुसलमानों के लिए क्या या मुसलमानों के लिए बनाया गया उसमें और लोग भी हैं सब उर्दू से और उर्दू सबकी जबान है एक बात, तो उसको लेकिन ये समझा जाता है कि शायद ये मुसलमानों का मामला है उसको भी आप ये करते करते यहाँ तक ले आया गया है बिल्कुल आपने मरले में आकर के मदरसा पैरा टीचर्स वगैरह के बारे में ठीक से सुनवाई नहीं हो रही, उर्दू पैरा उर्दू टीचर्स के लिए शिक्षकों की बात हमारे साथी ने कही थी उसमें घोषणा आपने की है ज्यादा उसके मुकाबले में आपने कहते हैं कि ऊंट की मुंह में जीरे के बराबर यानी बहुत कम लोगों को आपने उसमें लगाया गया है, तो ये इस तरह की मदरसा बोर्ड की बात है, मदरसा बोर्ड ठीक है आप क्या मनसूबा बना रहे हैं चेयरमैन भी तक भी नहीं है और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज है बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि साहब जयपुर में हॉस्टल सभी जगहों पर बन रहे हैं लेकिन जयपुर में भी हॉस्टल के बारे में जमीन दी गई कुछ लोगों ने विरोध किया आपने उसको खत्म उसको हटा दिया यानी उसको आपने वापस ले लिया अपने आदेश को वापस ले लिया, अभी बात चल रही है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए हॉस्टल है उसको देने में भी आप जो है वो हिचपिच कर रहे हैं, फैसला करना चाहिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को, मतलब सरकार है तो करती है लेकिन पूरी उसके साथ में सरकार को इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे ईसाई भाइयों का मामला हमसे लिखते रहते हैं बार बार, वो हमसे कहते हैं कि हम कई सालों से ये सरकार हो या वो सरकार हो ये बता कहते आ रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी परेशानी है हमारे लिए कब्रिस्तान की जमीन नहीं है हमारे और परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन वो उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के और भी बहुत सारी